हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और आज का वीडियो टाटा अल्ट्रोज डार्क के एडिशन के लिए है। यहाँ पे आप देखे थे इसमें स्मार्ट बैंड जो है वो आपको मिलती है, ये की इसका हो गया। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। डार्क एडिशन टाटा की अल्ट्रोज काफ़ी बेहतरीन लगती है, इसका लुक जो है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे फ्रंट की लुक देखें तो काफ़ी बढ़िया लुक जो है वो आपको मिलती है। डार्क एडिशन टाटा की तरफ से नेक्सोन, अल्ट्रोज और हैरियर में आपको मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। टाटा समझ चुका है कि लोगों की सोच और इनके पसंद क्या है, उसी के अनुसार जो है गाड़ियों को बना रहा है। काफ़ी बढ़िया सेल भी है टाटा अल्ट्रोज की। यहाँ पे आप देखें तो ये टॉप मॉडल है और प्रोजेक्टर हेडलैम्प जो है वो आपको मिलते हैं। यहाँ पर आप देखें फोग लैम्प्स और यहाँ पर DRL भी आपको प्रोवाइड की जाती है। फ्रंट ग्रिल जो है वो भी काफ़ी बेहतरीन आपको मिलेगी इस कार में, और साइड का लुक भी काफ़ी अच्छा लगता है, देखने में काफ़ी मस्कुलर और बोल्ड लगता है ये कार। यहाँ पे आप देखें तो डार्क की वेजिंग जो है वो की गई है, जो कि काफ़ी अच्छी है। ORBM आपको इस टाइप से मिलता है। सारी कार जो है आप कहीं से भी ले, पूरी एकदम आपको डार्क यानी काली कार आपको मिलने वाली है। रियर का लुक काफ़ी बढ़िया, यहाँ पे टेल लैंप वगैरह देख सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी लगती है। एलॉय व्हील इसका काफ़ी खूबसूरत दिया गया है। इसकी प्राइस की अगर हम बात करें तो अगर आप झारखंड रामगढ़ से हैं तो इसकी प्राइस जो है इस मॉडल की बात करें तो 10,39,000 है ऑन रोड। यहाँ पे रियर की लुक जो है वो भी काफ़ी बेहतरीन आपको मिलती है। डिफोगर, रियर वाइपर, सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मिल जाती हैं। यहाँ पे हाई स्टॉप लैंप जो है वो आपको मिलती है। बूट यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूँगा, तो बूट काफ़ी बड़ा बूट आपको मिलता है और थोड़ी सी नीचे है, देखिए लगभग आधा जो है हाथ वो यहाँ पे घुस जा रहा है। नीचे यहाँ आप देखें तो आपको स्पेयर व्हील मिलते हैं। यहाँ पे आप देखें तो बूट लैंप जो है वो प्रोवाइड किया गया है, पार्सल ट्रे भी आपको मिल जाता है और आसानी से यहाँ पे पकड़ के और इसे जो है नीचे आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार के रियर की लुक जो है वो आपको देखने को मिलेगी इस टाटा अल्ट्रोज में। और यहाँ पे रिफ्लेक्टर आप देखें तो रिफ्लेक्टर भी आपको यहाँ पे मिलते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो आपको यहाँ पे दी जाती है। डोर पूरी 90 डिग्री में ओपन होती है, ये बहुत ही बढ़िया है टाटा की तरफ से ये नई सोच। और यहाँ पे आप देखें तो डोर में काफ़ी चीज़ें जो है वो आपको मिलती है। यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो के कंट्रोल, यहाँ पे आप देखें तो बोतल होल्डर, डोर ओपनर ब्लैक, पूरी कार जो है इंटीरियर भी आपको पूरी ब्लैक में मिलती है। यहाँ पर से आप सीट को हर तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, कोई भी समस्या आपको नहीं होगी इसमें। और थाई सपोर्ट और टाटा की कार की जो सीटिंग कंफर्ट है वो काफ़ी बेहतरीन रहती है। एम्बिएंट लाइट जो है वो आपको प्रोवाइड किया गया है, उस स्टार्ट स्टॉप बटन जो है वो भी आपको यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पर आप देखें तो हेडलैम्प से जुड़ी स्विच जो है वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। ये जो है फुटरेस्ट आपको पूरी अच्छी फुटरेस्ट जो है यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाती है। स्टीयरिंग काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पे आप देखें तो स्टीयरिंग में सारे कंट्रोल्स जो है क्रूज कंट्रोल भी आपको यहाँ पे मिलते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया। यहाँ म्यूजिक से रिलेटेड कंट्रोल्स जो हैं वो आपको मिलते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो उस स्टार्ट स्टॉप बटन ये देख लें, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसकी बूट जो है वो ओपन है। इस प्रकार की आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम जो है वो आपको काफ़ी बेहतरीन मिलता है, हारमन कार्डन की म्यूजिक सिस्टम मिलती है। टच स्क्रीन जो है वो आपको काफ़ी स्मूथ मिलने वाली है। सारी चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पे इस कार में सारी फैसिलिटी दे दी गई है और सेफ्टी के मामले में तो सबसे आगे है 5-स्टार रेटिंग के साथ। और यहाँ पे AC के कंट्रोल्स जो हैं वो काफ़ी यूनिक, बहुत ही बढ़िया ढंग से यहाँ पे दिए गए हैं। और 12 वोल्ट की चार्जिंग पोर्ट जो है वो यहाँ पे आपको मिलती है, USB की पोर्ट भी आपको मिल जाती है। ये गियर नोब काफ़ी चंकी सा, यहाँ पे एक कप होल्डर आप बोल सकते हैं, ये आर्म रेस्ट आपको मिलता है। यहाँ पे एक छोटी सी स्पेस जो है वो आपको मिल जाती है। तो इस प्रकार की इसकी एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है इंटीरियर काफ़ी बेहतरीन लगता है। जब आप अंदर आते हैं तो डार्क एडिशन की पूरी खूबसूरती जो है आपको अंदर से भी महसूस होती है। और ये देखिए एक अलग सा ट्रीटमेंट जो है वो दिया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया है।
ऊपर आते तो यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर जो है वो आपको मिलता है, यहाँ पे आपको रूफ लाइट जो है वो आपको मिल जाती है, वैनिटी मिरर यहाँ पे मिल जाती है को ड्राइवर साइड, और ड्राइवर साइड आपको कोई भी मिरर नहीं मिलती है। तो इस प्रकार का कुछ फ्रंट का लुक जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ये कार जो है काफ़ी बेहतरीन है, इंटीरियर काफ़ी अच्छा प्रीमियम लुक जो है वो आपको मिलती है इस कार में। रियर की डोर की बात करते हैं, यहाँ पे डोर ओपनर और ये भी पूरी 90 डिग्री में खुलती है, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, और बोतल होल्डर वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। डोर में देखें तो बोतल होल्डर, यहाँ पे स्पीकर ट्यूटर, फोर स्पीकर और फोर ट्यूटर जो है वो आपको यहाँ पे मिलते हैं। रियर एसी वेंट्स जो है वो आपको मिलती है, 12 वोल्ट की चार्जिंग पोर्ट भी यहाँ पे रियर में आपको मिल जाती है। और रियर में देखें तो आपको हेडरेस्ट जो है वो आपको एडजस्टेबल मिलते हैं, ये आपको आर्मरेस्ट जो है वो प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे आपको कप होल्डर मिसिंग की गई है, कप होल्डर नहीं है यहाँ। और सीट की कुशनिंग और कंफर्ट जो है वो आपको काफ़ी बेहतरीन मिलेगी। और देखिए ऊपर में आप अगर इसका रूफ देखें तो वो भी आपको ब्लैक यानी कि डार्क, पूरा पूरी कार जो है वो आपको डार्क महसूस होगा, और काफ़ी प्रीमियम लुक जो है वो आपको अंदर से भी मिलने वाला है और बाहर से भी। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस डार्क एडिशन को लेना चाह रहे होंगे तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।